वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉस्पिटैलिटी बस एंड आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग रियली वेल। आप लोग मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा अपडेटेड हो और आपकी तरफ से काफी ज्यादा रिस्पांस आ रहा है, इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पूरा ये जर्नी रहने वाली है NCHMCT JEE 2023 की, उसको एक ही वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए। सो बेसिकली गाइस, जो मेरे वीडियो का टॉपिक है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द टॉपिक इज गाइस, व्हाट हैपेंस आफ्टर NCHMCT एग्जाम, व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस इन IHM। बेसिकली आपको अभी तो इतना मतलब मेरी यूट्यूब वीडियो से, बाकी लोगों का यूट्यूब वीडियो देखते हो, मेरा देखते हो, इन्फॉर्मेशन जो भी इंटरनेट से मिलता होगा वो इतना होगा कि NCHMCT है, इसका एग्जाम देना है, ठीक है। अभी एग्जाम दे देंगे उसके बाद क्या। सो अभी मैं आप लोगों को पूरा कनेक्ट करने वाला हूँ कि आपको NCHMCT का एग्जाम देना है तब से लेके जब आप एक होटल मैनेजमेंट कॉलेज को एज अ स्टूडेंट ज्वाइन करोगे, उसके बीच में होगा क्या, उसके बीच में आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये आपका 14th मई को पूरी जर्नी तो वैसे एक तरीके से स्टार्ट होगी जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, लेकिन 14th मई को आप एग्जाम दोगे और जुलाई के मिड में जाके अप्रोक्सीमेटली आपका क्लासेस स्टार्ट होगा, प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरीज जो भी आपको टॉप IHM जो भी IHM टारगेट कर रहे हो वहां पे, उसके बीच में क्या होगा वो सब हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन सबमिशन रहता है, आप लोगों का सबका एप्लीकेशन सबमिशन आई बिलीव हो चुका होगा। 27th अपने लास्ट डेट थी, 2nd मई टाइम दिया गया, जिन लोगों को करना था वो अब तक कर चुके होंगे, जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा फिर तो उनके लिए डायरेक्ट एडमिशन ही बचा, उनकी बात करते हैं जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया। सो बेसिकली अभी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा 14th मई को। नॉर्मली गाइज देखो, अब मैं वीडियो में तुम्हें जो भी सारी चीजें बता रहा हूँ ना, ये मेरा सारा अजम्पशन है, ये मैं पास्ट में जो भी हुआ है ना उसके बेस पे अज्यूम करके चल रहा हूँ। अभी इस साल NCHMCT का काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आया, और इस साल हमें देखने को और भी अलग अलग तरीके के चेंजेस मिल सकते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर तक क्या होता था, इग्नू के साथ एफिलिएशन था, जो आपको डिग्री मिलनी थी वो इग्नू से मिलनी थी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इस साल JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU से आपको डिग्री मिलेगी, तो हो सकता है आपको काउंसलिंग के टाइम पर कुछ चेंजेस देखने को मिले। आई एम नॉट श्योर क्या चेंजेस, बिकॉज अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, बट आई कैन टेल यू कि एक 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 फिक्स एक नॉर्मल लाइक प्रोसीजर क्या रहता है एडमिशन का। सो यस, आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और नॉर्मली इतना देखा गया है कि एक महीने का टाइम लगता है, यानी कि 25-30 days आपको लगेंगे आपके एग्जाम को आउट होने में। आई एम नॉट श्योर कि इस साल कितना टाइम लगेगा, लेकिन अज्यूम करके चलते हैं अगर 14th मई को आपका ये एग्जाम हो रहा है तो 14th जून को, यानी कि 10th जून, 14th जून यानी कि सेकंड वीक जो है जून का, तब आप मान के चल सकते हो कि सेकंड वीक ऑफ जून में आपके इसका रिजल्ट आ जाएगा। डेट इज जस्ट एंड लाइक एक अप्रोक्स हम लोग आइडिया लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड चीज ये होगी कि आप रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपके आपके मार्क्स बताए जाएंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं 800 में से, और उसके फिर बेस पे आपकी रैंक होती है, तो वो रैंक भी आपको पता चल जाएगी कि आपकी कितनी रैंक आ रही है। रैंक का मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया गया है कि अगर आपका 800 में से 600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप मान सकते हो कि आपकी टॉप की रैंक आएगी, ठीक है। 600 प्लस लेके आके ही तब को आप तब आके लाइक आपकी ढंग की टॉप की रैंक आ सकती है, लाइक एकदम टॉप की 3-4 कॉलेजेस वाली जनरल कैटेगरी की अगर बात करें। तो एक बार जब आपकी रैंक आ चुकी गाइस, उसके बाद हमारे काउंसलिंग स्टार्ट होती है। काउंसलिंग में हमारे राउंड्स होते हैं अलग अलग, आई एम नॉट श्योर कि इस साल कितने राउंड होंगे, अज्यूम करके चलते हैं कि अगर आपके 3 राउंड हो रहे हैं, राउंड 1, 2, 3 और एक स्पॉट राउंड हो रहा है, तो ऐसा कुछ होगा कि आपका जो फर्स्ट राउंड होगा ना, आपकी जब रैंक आ जाएगी फिर आपकी चॉइस फिलिंग होगी, आपको बोलेंगे कि लेट्स से अगर किसी की रैंक आई है 950, अब आपको बोलेंगे अपनी रैंक के बेस पे आप चॉइस फिल करो कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। चॉइस में आप कितने भी कॉलेजेस फिल कर सकते हो और कोई सा भी कॉलेज फिल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ फिल कर सकते हो, फिल करने का ये मतलब नहीं कि आपको मिलेगा। सो कुछ भी उठा के कुछ भी फिल नहीं करना है, जिसमें इंटरेस्टेड हो और जो लगता है कि आपको मिल सकता है आपकी रैंक के बेस पे, लास्ट ईयर कट ऑफ के बेस पे वो कॉलेज आपको फिल करना है। तो जैसे स्टूडेंट की 950 रैंक है और उसकी जनरल कैटेगरी है, तो डेफिनेटली उस स्टूडेंट को IHM पूसा कॉलेज तो नहीं मिलेगा ना, चांस ही नहीं है कि स्टूडेंट को जनरल कैटेगरी पे IHM पूसा मिल जाए जिसकी 950 रैंक होगी और इंडिया रैंक, ठीक है, लाइक लास्ट ईयर का अगर डेटा देखे तो, जो लास्ट ईयर के डेटा के बेस पे। सो उसे फिर IHM पूसा को फिल नहीं करना चाहिए, तो उसे फिर दूसरे कॉलेजेस को फिल करना चाहिए। तो ऐसे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन सा कॉलेज आपको आपकी रैंक के बेस पे मिलने के चांसेस हैं। गाइस हमारी चॉइस फिलिंग रहती है, चॉइस फिलिंग के बाद जो कॉलेज हमें अलॉट होते हैं वो अलॉटमेंट के टाइम पे फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, तो उस टाइम पर आपका 10th का सर्टिफिकेट, आपका 12th का अगर कुछ आ गया होगा, तो डिपेंड करता है कि वो 12th के अभी आपके रिजल्ट आया कि नहीं आया, तो वो आपके डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे, आपको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, ये सब तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने दिखाने पड़ेंगे। इसके अलावा गाइस एक मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन रहेगा, मतलब आई एम नॉट श्योर कि वो चीज हेल्पफुल रहेगी कि नहीं, बट आपको फिर भी करना चाहिए जस्ट टू बी एक सेफ जोन में रहने के लिए। आपका स्टार्टिंग से जो भी अपनी ईमेल पे जो भी आपको सारी चीजें आ रही हैं, लाइक NCHMCT की तरफ से जो भी एप्लीकेशन को लेकर जो भी ईमेल आई, जो भी कुछ एक स्क्रीनशॉट आप ले रहे हो, पेमेंट आप कुछ छोटी से छोटी पेमेंट करते हो, आप कुछ भी करते हो ना, तो उसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास डेटा जरूर रखो।
आप जितने भी पेमेंट्स करोगे उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जो भी ईमेल आ रहा है कंफर्मेशन आ रहा है उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो अपना ड्राइव में सेव कर दो, गूगल ड्राइव पे सेव कर दो, अपना किसी के व्हाट्सएप चैट में सेव कर दो, लाइक दिस इज व्हाट आई डू। बट सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अलॉटमेंट लेटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो उसका अलॉटमेंट लेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका होना चाहिए। जिनकी कैटेगरी है तो उनके कैटेगरी के सर्टिफिकेट होने चाहिए, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सारे कैटेगरी के सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाने में अगर टाइम लगेगा तो अंडरटेकिंग का एक सर्टिफिकेट होता है जिसके हम लोग उसमें ये मेंशन करते हैं कि इतने टाइम में हम लोग आपको अपना और ये जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल इसका कॉपी आपको लाके दे देंगे, सो दैट इज अंडरटेकिंग। तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हो। सो इस तरीके के कुछ ऑप्शंस होते हैं। डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे, आपको अपनी फीस पे करनी पड़ेगी। फीस का आई एम नॉट श्योर कि काउंसलिंग के टाइम पे आपसे कितनी फीस लेंगे। सो बेसिकली अगेन ये सिर्फ एक अप्रॉक्स आइडिया है कि 65,000 टू 80,000 अगर हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की टोटल फीस होती है तो उसमें से वो लोग या तो आपसे 20,000 या फिर आपसे 40,000 बोलेंगे पेमेंट करने के लिए ड्यूरिंग काउंसलिंग। तो आई एम नॉट श्योर कि वो आपसे कितने पैसे बोलेंगे, बट यस कैन बी 20,000, कैन बी 40,000 और कैन बी डिफरेंट कुछ और भी नंबर हो सकता है। लेकिन उसमें से ऐसा होता है कि 2,000 हमारे काउंसलिंग के होते हैं, बाकी पैसे जो होते हैं वो सेमेस्टर फीस में इंक्लूड हो जाते हैं। तो वो पेमेंट एक आपसे बोली जाएगी, ये सब बोला जाएगा आपसे जून में। तो अगर 14 मई को मैंने आपको बोला आपका एग्जाम हो रहा है और जून के सेकंड वीक में आपका रिजल्ट आ रहा है, तो जून के 20 जून 25 जून या 30 जून यानी कि जून के एंड वाला जो पार्ट है, तब जून का जो 15 से लेकर 30 जून तक का टाइम होगा उस टाइम पर आपका काउंसलिंग का सब कुछ चल रहा होगा। उसी बीच गाइस आपका राउंड 1 होगा, फिर राउंड 2 होगा, राउंड 3 होगा, सारे राउंड ऐसे होते जाएंगे। लेट से किसी को राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हो गया, अभी उसको वो कॉलेज नहीं चाहिए, उसको लगता है कि उसको उससे भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है नेक्स्ट राउंड में, तो उनको क्या करना है, उनको फ्रीज नहीं होना, उनको फ्लोट करना है। फ्रीज इज बेसिकली यू आर सेटिस्फाइड विद योर सीट, कि आप सेटिस्फाइड हो, आपको आपने बोला कि ठीक है ये जो कॉलेज मेरे को मिला मैं सेटिस्फाइड हूँ, आप फ्रीज हो गए उसी राउंड में। फ्लोटिंग इज कि मेरे को इससे बेटर कॉलेज चाहिए, तो आप नेक्स्ट राउंड में फ्लोट कर रहे हो, तो दैट इज फ्रीजिंग एंड फ्लोटिंग। तो ये कुछ अभी तक हमारा इस साल लाइक लास्ट टाइम तक हमारे चलता था, तो दैट इज राउंड 1, 2, 3 होंगे, स्पॉट राउंड होगा, किसी को जो भी कॉलेज मिलना होगा सब कुछ कर करके फिर हमारा हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। हॉस्टल अलॉटमेंट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट इन एनसीएमसीडीजेई। तो जो भी सारे बच्चे अप्लाई करेंगे फिर उनसे देखा जाएगा कि कौन ओबीसी है, कौन एससी है, कौन एसटी है। यस यहाँ पर जनरल कैटेगरी और ये सब का भी देखा जाता है, लाइक रिजर्वेशन इज देयर इन हॉस्टल एज वेल। तो हॉस्टल में रिजर्वेशन आपका देखा जाएगा, आपकी रैंक देखी जाएगी, उसके बेस पे आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा। और ये सब कर करा के फाइनली आपका कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जो है वो आप जुलाई के मिड में मान सकते हो, अप्रोक्सीमेटली कि जुलाई के मिड में आपका कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस हो जाए, क्लासेस आपका स्टार्ट हो जाए, थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी है, और जो बाकी पेंडिंग फीस होगी वो आपको फिर उस टाइम पर देनी पड़ेगी। सो ये पूरा प्रोसीजर था आपका एंट्रेंस एग्जाम से लेकर आपके कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस तक। इसी बीच में आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप मेरे से मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। प्लीज जो भी क्वेश्चन है कोई है प्लीज पूछो, तभी मुझे आइडिया मिलता है कि मुझे किस तरीके की वीडियोस बनानी चाहिए। आई होप गाइस कि वीडियो आप लोग के लिए थोड़ी बहुत तो हेल्पफुल रही हो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।